हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 9, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इसी वाले चैप्टर का हम लोग, ये वाला रहेगा हमारा पार्ट सिक्स। मतलब इससे पहले जो पार्ट 5 तक में हमने कहानी पढ़ ली थी, उसके आगे की कहानी को अब हम समझेंगे चैप्टर 9 से रिलेटेड, जो कि क्लास 12th हिस्ट्री का है और NIOS का है। ठीक, तो हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले वाले पार्ट में कि मोहम्मद बिन तुगलक वंश का, इसके कुछ असफल नीतियां थी जिसके कारण ये काफी अलोकप्रिय या इसके शासन काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत चरमरा चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के आगे की कहानी आज हमने पढ़नी है, तो उसको हम समझते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान होता है तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो आता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई। ठीक है, एक बात ये, फिरोज तुगलक ने कुछ खास साम्राज्य विस्तार नहीं करा। फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई 1388 में। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई और 1412 में, ध्यान से देखिएगा, 1412 में तुगलक वंश की समाप्ति हो गई। तुगलक वंश की समाप्ति या तुगलक वंश का पतन हो गया। तो यहां पर आप एक बात देख रहे होंगे कि फिरोज तुगलक 1388 में मरा और 1412 में ये तुगलक वंश ही समाप्त हो गया, तो लगभग केवल 24 वर्ष तक ही ये शासन में रह पाया। मतलब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश केवल फिरोज तुगलक के बाद लगभग 24 साल तक ही शासन कर पाया। तो इन 24 साल की जो कहानी है फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक से लेकर के तुगलक वंश के पतन तक की, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। देखो, हुआ ऐसे, जैसे कि तुगलक वंश का जो फिरोज तुगलक आता है और इसकी मृत्यु होती है, तो इसकी मृत्यु के बाद जो अगले शासक बन रहे हैं या सुल्तान बन रहे हैं, इन सुल्तानों को बनाने के लिए, मतलब अगला सुल्तान कौन बनेगा, कौन हटेगा, फिर कौन बनेगा, इस तरह का काम जो करना था, इसमें मुख्य रोल निभाया इनके दासों ने। दास मतलब जो इनके गुलाम थे तुगलक वंश के। अब ये लोग इस चीज में बहुत बड़ा योगदान करने लगे, क्योंकि तो गुलामों की संख्या लगभग थी 1,80,000 से लेकर के 1,90,000 के बीच में, इतनी भारी संख्या में थे ये गुलाम। और इन्हीं लोगों ने आखिरी में कई सुल्तानों को बनाया, कईयों को हटाया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6-7 शासक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिरोज तुगलक, यहाँ पर हमने मोहम्मद बिन तुगलक देख लिया था। अब उसके बाद हम देख रहे हैं अगला शासक या सुल्तान कौन बना, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बाद अगला कौन बना, मोहम्मद खान। फिर इसको हटाया, फिर अगला तुगलक शाह सेकंड को बनाया, फिर नासिरुद्दीन महमूद को बनाया, फिर इसको हटा करके अलाउद्दीन सिकंदर शाह को बनाया, और इस क्रम में अंतिम जो रह जाता है तुगलक वंश का शासक, वो रह जाता है नासिरुद्दीन महमूद। तो हमारे लिए और आपके लिए, एज अ NIOS स्टूडेंट हो आप लोगों के लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहता है नासिरुद्दीन महमूद। तो हम लोग देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कि कैसे ये तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है और किस प्रकार से इसके इसी के समय काल में जो ये तुगलक वंश है, ये पतन या डिक्लाइन ऑफ तुगलक वंश है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने आपको बताया नासिरुद्दीन महमूद जो है अंतिम तुगलक वंश का शासक है। तो नासिरुद्दीन महमूद जो है ये अंतिम तुगलक वंश का शासक है। इसके समय पर क्या होता है कि एक तैमूर लंग नाम का एक तुर्क आतंकवादी, ये कहां से आया था, ये आया था मध्य एशिया से, ये करता है भारत पर आक्रमण। कौन? तैमूरलंग। तैमूरलंग करता है भारत पर आक्रमण। आक्रमण करते करते ये दिल्ली तक पहुंच जाता है,
और दिल्ली में कौन बैठा है जिस समय आक्रमण कर रहा है? ये नासिरुद्दीन, जो कि तुगलक वंश का लास्ट सुल्तान है। नासिरुद्दीन महमूद जो आक्रमण कर रहा है, इसके आक्रमण में इसकी मदद कौन कर रहा है? खिजर खां। खिजर खां इसकी मदद कर रहा है। और तैमूर लंग का जो आक्रमण था वो इतना भयानक था कि इसके डर से जो नासिरुद्दीन महमूद है ये दिल्ली छोड़ करके गुजरात भाग गया, दिल्ली छोड़ करके गुजरात भाग गया कुछ समय के लिए। और तैमूर लंग ने खूब लूट मचाई भारत में, खूब यहां से सोना चांदी लूट करके ले गया। ठीक है, इसके बाद जब नासिरुद्दीन गद्दी पर आया तो एक तरह से 1412 का समय था, और उस समय तक ये काली एक नाम का शासक रह गया था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद, केवल नाम का एक शासक रह गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही इतनी। और 1412 आते आते इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की, जो कि अंतिम तुगलक वंश का है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 2 वर्ष तक कोई अगला दिल्ली सल्तनत पर था नहीं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि कौन अगला दिल्ली सल्तनत में आएगा। इसी बात का फायदा उठाया किसने? खिजर खां ने, जिसने तैमूर खां की मदद करी थी। और ये यहां से दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की शुरुआत करेगा। अब दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश हमें देखने को मिलेगा। खिजर खां के बारे में कुछ और बात कि खिजर खां ने तैमूर लंग की मदद करी थी भारत में आक्रमण करने के लिए। तो तैमूर लंग ने इसको, आज का अगर हम पाकिस्तान देखें तो लाहौर प्लस पंजाब वाला क्षेत्र का इसको गवर्नर नियुक्त किया था, या आप शासक के तौर पर भी कह सकते हैं। तो दोबारा से इसको देखते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के समय पर एक तैमूर लंग नामक तुर्क आतंकवादी का आक्रमण होता है। इस तैमूर लंग की मदद करता है खिजर खान भारत में आक्रमण करने के लिए। तैमूर लंग भारत में आक्रमण करते करते दिल्ली तक पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचता है जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद इसके डर से इतना भयभीत हो जाता है कि दिल्ली छोड़ करके कुछ समय के लिए गुजरात चले जाता है। 1412 में किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत वाली गद्दी है वो खाली है। कौन अगला शासक बनेगा? कौन इतनी सर्वशक्तिशाली शक्ति है जो अभी यहाँ बैठे? इसी बात का फायदा उठा करके खिजर खां अगला दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान और अपने नए वंश की शुरुआत करेगा। क्योंकि खिजर खां ने तैमूर लंग की मदद करी थी भारत में आक्रमण करने के लिए, तो तैमूर लंग ने इसको पाकिस्तान जो आज का है वहां का लाहौर और पंजाब वाला क्षेत्र पर वहां का इसको गवर्नर नियुक्त करा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, तैमूर लंग का आक्रमण भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रखता है। 1412 तक आते आते नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु, उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक बन के आ रहा है वो आ रहा है खिजर खां। तो अब हम देखेंगे खिजर खां के बारे में। खिजर खां का अगर हम नाम देखें तो इसका पूरा नाम आता है खिजर खां सैयद, और इसी के साथ यहाँ पर से शुरुआत हो जाती है किसकी? सैयद वंश की। किसकी? सैयद वंश की। खिजर खां सैयद वंश की शुरुआत, सैयद वंश का अगर पूरा शासन काल देखें तो 1414 से, यहाँ पर आपने देखा था ना 1414 में नासिरुद्दीन महमूद की, यहाँ पर सॉरी 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई। तो 2 साल का यहाँ पर एक कोई भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं रहा, एक खाली समय रहा, और इसी का फायदा उठा करके 1414 में यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना कर दी। किसने? खिजर खां, जिसने खिजर खां सैयद पूरा नाम है जिसका, और यहीं से सैयद वंश की शुरुआत होती है। सैयद वंश का कुल समय चला 1414 से 1450 तक। लगभग अगर देखा जाए तो ये रहा आपका 36-37 वर्ष का शासनकाल। ठीक है, और इस पूरे शासन काल में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 4 शासक हैं। ठीक है, इतना बात समझ में है।
सैयद वंश की शुरुआत कर दी खिजर खान सैयद ने। और सैयद वंश के अगर हम एक प्रतापी या सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वंश का शासक रहा तो वो था केवल खिजर खान। इसके उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं थे इतने जितना कि खिजर खान था। आगे बात करते हैं सैयद वंश को लेकर के क्या क्या इस वंश की इम्पोर्टेंट बातें रही। तैमूर की मदद से इन्होंने जो करी थी भारत आक्रमण में, तैमूर ने उपहार के तौर पर इनको लाहौर मुल्तान पंजाब का शासक या गवर्नर नियुक्त करा था। ये बात भी आपने समझ ली। जैसे ही सल्तनत में आया, जैसे ही ये राजा बना, मतलब राजा हिंदी में होता है, दिल्ली सल्तनत में जो राजा वाला काम हो रहा है वो सुल्तान नाम से डिनोट करा जाता है। तो सल्तनत में जैसे ही आते हैं तो ये सुल्तान नाम का टाइटल नहीं लेते हैं, बल्कि सुल्तान की जगह पर रायत आला नाम की उपाधि से ही बोलते हैं मैं ये उपाधि धारण करूँगा। ठीक है, कौन? खिजर खां सैयद। इनका एक बेटा था, इनके बेटा, इनके बेटे के दरबार में एक याहिया बिन अर सरहर नामक एक दरबारी लेखक, एक राइटर था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इस तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में इस लेखक ने ये दावा करा है कि जो सैयद वंश है, इस सैयद वंश के जो संस्थापक हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं, मतलब हजरत मोहम्मद साहब के वंशज हैं, हजरत मोहम्मद साहब के वंशज हैं। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो इसी चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने इस्लाम धर्म का उदय और संस्थापक और पूरी बातें वहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी कि हजरत मोहम्मद साहब कौन थे। ठीक है, तो ये दावा किया गया है कि सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के ही वंशज हैं। 1421 में खिजर खां की मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद अगला सुल्तान या शासक इनका बेटा बनेगा जिसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह अगला सुल्तान बनेगा, लेकिन अगर हम देखें तो इसने कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं करे हैं जिसको आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में दो चार इन्होंने काम करे थे, वो आपके सिलेबस में जब बताए ही नहीं है तो आपको समझने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खिजर खां के बाद जो अगला शासक बन रहा है सैयद वंश में वो बन रहा है मोहम्मद शाह। इनका समय काल या शासन काल ये है 1434 से 1445। इनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा गया, तो इनके बारे में भी आपने कुछ नहीं पढ़ना है, केवल क्रम याद रखना है कि भाई सैयद वंश में कौन कौन से शासक आए थे, है ना? तो ये सब ना पता है। अंतिम बात करें, जैसे हमने कहा था टोटल चार हैं, या बताया था ना स्टार्टिंग में कि टोटल चार शासक हैं। पहला तो खिजर खां आ गया, उसके बाद उनका बेटा आ गया मुबारक शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आ गया, फिर मोहम्मद शाह के बाद जो अंतिम है, जो लास्ट है चौथे नंबर का, वो था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम है, इसलिए इसके बारे में आपको समझना चाहिए कैसे सैयद वंश का यह अंतिम है और कैसे सैयद वंश का एंड हो रहा है, तो वो हम समझते हैं। ठीक है, हाँ, अंतिम सैयद वंश का शासक कौन? आलम शाह। आपकी पुस्तक में केवल आलम शाह लिखा है या अलाउद्दीन आलम शाह, एक ही बात है। भाई साहब का समय काल 1445 से 1450, और आपको मालूम होगा 1450 में सैयद वंश का पतन हो जाता है, मतलब एंड। अब जो आलम शाह हैं इनके बारे में बताया गया है कि यह एक निकम्मे सुल्तान थे। अगर इनकी आपको मैं कहानी बताऊं, वैसे आपकी पुस्तक में इस बात को नहीं बताया गया है क्योंकि आधी अधूरी बात लिख करके खत्म कर दी जाती है कहानी, तो यहीं पर बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या हुई थी। निकम्मा सुल्तान बताया गया है। आलम शाह बहुत डरते थे, बहुत डरा करते थे। अब किससे डरते थे? इन्हीं का एक वजीर था। किसका? आलम शाह का ही एक वजीर था, और जो इनका वजीर था इसका नाम था हामिद खां। आलम खां का ही एक वजीर था, इसका नाम था हामिद खां। हामिद खां बहुत ही एक गुस्सैल आदमी था, बहुत ही क्रूर था,
मार धाड़ करने में बहुत खतरनाक। और ये सब बातें आलम शाह भी देखते रहते थे, भाई उन्हीं का वजीर है। तो इनके मन में, किसके मन में, आलम शाह के मन में हमीद खां को लेकर हमेशा डर लगा रहता था कि भाई किसी दिन कहीं ऐसा ना हो कि हमीद खां मतलब वजीर मौका देख करके मुझे ही रास्ते से हटा दे, मतलब आलम शाह की मौत कर दे, उनको डेड मार दे। कौन? इन्हीं का वजीर। तो इनको अपने दिल्ली में ही डर लगने लग गया, ऐसे हालात हुए। डर इस कदर बड़ा इनके दिलो दिमाग पर हामिद खां को लेकर के, जो कि इन्हीं का वजीर है, भाई साहब ने क्या करा, दिल्ली छोड़ करके भाग गए। भाग गए इन द सेंस दिल्ली से चले गए बदायूं तक, मतलब बदायूं तक नहीं, बदायूं में चले गए, तक तो गलत शब्द होगा, बदायूं में चले गए और वहीं से अपना शासन प्रशासन वाला कार्य देखने लगे। इस बात की जानकारी बहराम लोधी को लगी। किसको? बहराम लोधी को। बहराम लोधी को इस बात की जैसी जानकारी लगी कि आलम शाह जो है वो अपने ही वजीर से डर के कारण दिल्ली छोड़ करके बदायूं चले गए हैं, बहराम लोधी ने क्या करा, इस हामिद खां को मार दिया। मार दिया मतलब किल, किल्ड हिम, हामिद खां को मार दिया। किसने? बहराम लोधी ने। बहराम लोधी ने हामिद खां को मार दिया। हामिद खां को मारने के बाद उन्होंने ये मैसेज या ये इंफॉर्मेशन या ये न्यूज कहां पहुंचाई? बदायूं। बदायूं कहां? जहां पर बैठा है आलम शाह। आलम शाह ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, देखो। तो आलम शाह के पास ये खबर पहुंचाई कि सुल्तान साहब आप डरो मत, हमने जो आपका भय था, जिससे आप डरते थे, हामिद खान नामक इस हामिद खान को, इस हामिद खान को मार दिया गया है, मतलब हामिद खान मर चुका है, हामिद खान मर चुका है। लेकिन जहां एक बार आलम शाह के मन में भय बैठ चुका था, किसको लेकर के, हामिद खान को लेकर के, हामिद खां को लेकर के, तो हुआ क्या कि डर तो डर है, हामिद खां मरा है ना, डर तो अभी भी जिंदा है भाई साहब के मन में, किसके, आलम शाह के मन में। अब डर ने नई सूरत ले ली। क्या सूरत ले ली? एक नई कहानी बनाई कि भाई जो ये बहराम लोधी है, ये जो बहराम लोधी है जिसने इसको मारा है हामिद खां को, कहीं ये बहराम लोधी की कोई चाल तो नहीं है, कहीं ये बहराम लोधी मुझे चालाकी से दिल्ली बुलाएगा और दिल्ली में मुझे देगा मार, मतलब कर देगा किल। किसको? बहराम शाह को नहीं, यहां पर आलम शाह को। ये कहानी आलम शाह के मन में आई। किसको लेकर के? बहराम लोधी को लेकर के, कि बहराम लोधी ने हामिद खां को तो मार दिया और मुझे अब दिल्ली बुला रहा है, कहीं इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं है, ये मुझे भी मार देगा और दिल्ली पे पूरा कब्जा कर लेगा। तो डर का माहौल इस कदर बढ़ गया था भाई साहब के मन में कि आलम शाह जो थे, हम आलम शाह की बात कर रहे हैं, नाम याद रखना, आलम शाह ने क्या करा, आलम शाह ने बोला भाई दिल्ली सल्तनत तुम ही रखो, मुझे नहीं करनी ये सल्तनत वल्तनत, दिल्ली सल्तनत तुम्हें ही मुबारक, तुम इसके स्वामी बन जाओ, तुम ही यहीं के स्वामी बन जाओ। कौन? बहराम लोधी। बहराम लोधी। तो एक डर के कारण ही इन्होंने, इनको सारी पावर जो थी दिल्ली की वो इनको ट्रांसफर कर दी, तुम ही रखो, मेरे बस का नहीं है ये बेवजह के पचड़ों में पड़ना,
तुम्ही को मुबारक, क्योंकि महाराज जी के अंदर इस कदर डर घुस चुका था कि जो पहले हामिद खां को लेकर डर था, वही डर अब इनको बहराम लोधी से लगने लगा। तो भाई दिल्ली तो जाना नहीं अब, ठीक है, अब बहराम लोधी ने हामिद खां तक को मार दिया है, तो भाई हामिद खां से भी मैं डरता था, मतलब ये बहराम लोधी तो हामिद खां से भी खतरनाक होगा। नहीं, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से बात करी। और जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का स्वामी कौन बन गया? दिल्ली सल्तनत का स्वामी अब बन गया कौन? बहराम लोधी। और यहीं से अब शुरू हो जाएगा लोधी वंश, या अंग्रेजी में कहेंगे इसको तो लोधी डायनेस्टी। वैसे आप लोग हिंदी मीडियम से कर रहे होंगे तो आपके लिए लोधी वंश ही ठीक। तो लोधी वंश की यहां से शुरुआत हो जाएगी। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, एक बार क्विक रिकैप कर करके इसको हम रिवाइंड करके समझ लेते हैं कि हमने फटाफट में पढ़ा क्या आज, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इसी क्रम में हमने पार्ट 6 पढ़ा, ये है हिस्ट्री की बुक 12 से, हिस्ट्री NIOS से, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक तक हम पढ़ चुके थे, उसकी असफल नीतियों को हम समझ चुके थे, जिसमें उसने तरह तरह की नीतियां करी, और उन्हीं नीतियों में से एक थी प्रतीकात्मक मुद्रा, जिसमें उसने सिक्कों को बदल के चांदे का तांबे में करा, वो कहानी आप लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई था। विस्तार साम्राज्य में कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं करा। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु होती है और 1412 में इसकी जो तुगलक वंश है इसकी यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। तो फिरोज तुगलक से लेकर के अंतिम शासक तक क्या क्या क्रम रहा वो हमने देखा। फिरोज तुगलक, मोहम्मद खान, तुगलक शाह, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नसीरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम था। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय पर हमने देखा कि एक तुर्क आतंकवादी जो है भारत पर आक्रमण कर रहा है, और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम था तैमूर। तो जिसने आक्रमण कराया उसका नाम है तैमूर लंग। लंग का मतलब लंगड़ा, तैमूर इसका नाम था। ये तुर्क आतंकवादी था, इसने भारत पर आक्रमण करा और आक्रमण काफी भयानक था। और भारत पर आक्रमण करते 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 भाई साहब पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद, जो कि थे अंतिम तुगलक वंश के शासक। और ये इतना डर गए कि अपनी राजधानी जो दिल्ली थी, दिल्ली छोड़कर के भाई साहब गुजरात भाग गए कुछ समय के लिए। और जो तैमूर लंग भारत में आक्रमण कर रहा है, इस आक्रमण में इसका साथ दिया खिजर खां ने। खिजर खां ने मदद करी, इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र है, पंजाब पेशावर वाला कुछ एक क्षेत्र, इनको वहां का इन्होंने गवर्नर या शासक नियुक्त करा। नासिरुद्दीन महमूद 1412 आते आते केवल नाम का एक सुल्तान बन के रह गया था दिल्ली का। इसके कोई आदेशों का इतना पालन नहीं करा जाता था, अनेकों बातें कही गई इनके बारे में। और 1412 के समय में इनकी हो गई मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद 1412 से लेकर के 1414 तक, मतलब 2 वर्ष के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की जो गद्दी थी वो एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति में थी कि कौन बनेगा कौन बनेगा। और इसी चीज का फायदा उठाया किसने? खिजर खां ने। खिजर खां ने इस बात का फायदा उठाया और दिल्ली सल्तनत की गद्दी को ग्रहण कर लिया। खिजर खां के बारे में हमने देखा कि इसका पूरा नाम था खिजर खां सैयद, और यहीं से शुरू हो जाती है खिजर खां के द्वारा सैयद वंश की शुरुआत। और सैयद वंश में सबसे प्रतापी या इम्पोर्टेंट जो शासक रहा है वो रहा है खिजर खां। खिजर खां ने ही सैयद वंश की शुरुआत करी। इसका जो समय काल है सैयद वंश का वो 1400 से 1450 रहा, मतलब कुल 36 से 37 वर्ष। और इस सैयद वंश में कुल 4 शासक हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सल्तनत में जैसे ही खिजर खां आता है तो ये सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रायत ए आला की उपाधि धारण करता है, ठीक है। याहिया बिन सरहर दरबारी इनके समय पर, मतलब इनके बेटे के समय पर एक लेखक था इनके दरबार में, उसके द्वारा एक किताब लिखी गई तारीख मुबारक शाही, और उसमें इस बात का जिक्र करा गया कि सैयद वंश का जो संस्थापक है वो पैगंबर मोहम्मद साहब का ही वंशज है, ठीक है। इसके आगे हमने देखा कि 1421 में खिजर खां की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद इनका बेटा जो था मुबारक शाह वो अगला शासक बनता है, जिसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा गया। उसके बाद हमने अगला शासक देखा मोहम्मद शाह, जिसका था 1434 से 1445 तक का समय काल, और इसने भी कुछ इम्पोर्टेंट कार्य नहीं करा। इसके बाद हमने जो देखे आपका जो अंतिम शासक था, टोटल हमने 4 कहे, तो अंतिम था अलाउद्दीन आलम शाह।
अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने देखनी थी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये सैयद वंश की समाप्ति हो रही है उसमें इनका क्या रोल है। तो आलम शाह या अलाउद्दीन आलम शाह एक ही बात है। इनका शासनकाल रहा 1445 से 50, मतलब कुल मिलाकर के 5 साल। इनके बारे में एक निकम्मा सुल्तान, एक डरपोक सुल्तान, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। तो भाई साहब ने क्या करा था कि इनका एक वजीर था जिसका नाम था हामिद खां। हामिद खां बहुत ही खूंखार किस्म का एक इनका वजीर था। फिर इसको देख करके अंदर ही अंदर डरा करते थे। डर का क्रम जो डर का ग्राफ था वो इस कदर बढ़ चुका था कि जो आपके ये अंतिम सैयद वंश का शासक है आलम शाह, ये डर के कारण इसने अपनी दिल्ली राजधानी छोड़ करके भाई साहब अपना महल छोड़ छाड़ के बदायूं चले गए और बदायूं से शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी बहराम लोधी को लगी, लिखा होगा हाँ, जब इस बात की जानकारी बहराम लोधी को लगी तो बहराम लोधी ने किसको, हामिद खां को मार दिया। और इस बात की सूचना किसको दी, आलम शाह को। ठीक है, यहाँ देखो, जब लोधी ने उसको मार दिया तो जानकारी दी आलम शाह को। और जब उनको ये जानकारी मिली आलम शाह को, नाम मत भूलना आप, ठीक है, इसलिए आपको बार बार दिखाता भी रहता हूँ लिखा हुआ। आलम शाह को जब इस बात की जानकारी मिली कि बहराम लोधी ने इसको हमीद खां को मार दिया है, तो उनका डर और बढ़ गया। उन्होंने कहा कल तक जो डर मुझे हमीद खां से था, अब वही डर मुझे बहराम लोधी से हो रहा। और डर के कारण उन्होंने क्या करा, अपनी दिल्ली सल्तनत उसी को दे दी। खा के भाई अब तुम ही करो, हम दिल्ली दिल्ली नहीं आ रहे हैं। और यहीं से जो था आपका एक तरह से लोधी वंश की शुरुआत हो जाती है। और सैयद वंश पढ़ रहे थे ना हम लोग, याद रखना, ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासन। तो सैयद वंश की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है और लोधी वंश की शुरुआत हो जाती है। और इसी के आगे से हम लोग लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, ठीक है, लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। और ये अंतिम है, ये जो लोधी वंश रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा अंतिम वंश किसमें, दिल्ली सल्तनत में, अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद हम लोग आगे की कहानी अलग से देखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के क्रम में हमारे पास बस एक टॉपिक रह जाता है, वो रह जाता है लोधी वंश। जरा सा अगर आप याद करें तो हमने दिल्ली सल्तनत में किन किन को पढ़ना था, गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, फिर इसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो हमने गुलाम वंश पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया, तुगलक वंश का हमने लास्ट लगभग पढ़ी लिया था इसी वीडियो के स्टार्ट में, और सैयद वंश को भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग लोधी वंश को पढ़ेंगे और लोधी वंश को पूरा एंड कर लेंगे। और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत वाला जो हमारा टास्क है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको पूरा चैप्टर समझने में ईजी हो रहा होगा, ठीक है, और अपनी पढ़ाई आप लोग सही तरीके से करें और खूब मन लगा करके अपने सारे नोट्स बनाएं। ईजी वे में आपको मैं सारा समझा रहा हूँ, परीक्षा में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने जिस प्रकार से मैंने पढ़ा रखा है उसी तरीके से अगर आपने भी मेहनत करी है तो कोई डरने वाली रत्ती भर की बात नहीं है। सवाल यहीं से कुछ ना कुछ बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, थैंक यू।